दोस्तों ये कहानी है एक ऐसे अजीबो गरीब एक्सपेरिमेंट की, जिसमें तरह तरह के जानवरों के डीएनए को मिलाकर उन्हें डीकोड करके एक ऐसा जानवर बनाते हैं जो कि इंसानी जीवन के लिए बहुत ही बड़ा खतरा बन जाता है। अब इसके बाद इंसान उसका कैसे सामना करते हैं ये जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो कहानी की शुरुआत में हम मिंग नाम की एक लेडी को देखते हैं जो कि स्वीपर का काम करती है। तभी उन्हें सफाई करते हुए एक लैब में एक कार्ड मिलता है, जिसके बाद वो उस कार्ड का इस्तेमाल करके एक और लैब के अंदर आ जाती है और इस लैब में जानवरों के डीएनए को डीकोड करके उन्हें कंबाइंड करने का काम किया जाता था। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिंग इस लैब की भी सफाई करने लगती है, लेकिन एक डायनासोर जिसे कई सारे जानवरों के डीएनए को डिकोड करके कंबाइंड करके बनाया गया था, वो अचानक से मिंग पर हमला कर देता है और उसे मार कर खा जाता है। इसके बाद मूवी का सीन शिफ्ट होता है और हम लियांग नाम के एक लड़के को देखते हैं। अब क्योंकि लियांग एक फॉरेस्ट ऑफिसर था और इसीलिए वो जंगल में एक सांप पकड़ने आया था। हम देखते हैं कि लियांग सांप को पकड़ने के लिए जंगल में चारा डालता है और जैसे ही वो सांप उस चारे को खाने के लिए उसके पास आता है, तभी लियांग उसे पकड़ लेता है, लेकिन वो सांप ट्रैप तोड़ देता है और लियांग के पीछे पड़ जाता है। अब इससे पहले कि वो सांप लियांग को मार पाता, लियांग के साथ ही उस सांप के ऊपर जाल फेंक देते हैं। इसके बाद लियांग उस सांप को लेकर हॉस्पिटल में आ जाता है, जहां पर एक डॉक्टर उसे बताती है कि इस सांप को ट्राइसेरेटॉप और पाइथन के जीन्स को मिलाकर बनाया गया है। ये सुनते ही लियांग को अपनी गर्लफ्रेंड युवो की याद आ जाती है, क्योंकि वो हमेशा से ही जानवरों के जीन्स को कंबाइंड करने की बात किया करती थी, लेकिन लियांग को इस सब में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था और इसीलिए उसने ईवो को छोड़ दिया। अब क्योंकि ईवो जीन्स को रिकम्बाइंड करने के बारे में सबसे ज्यादा जानती थी, इसीलिए लियांग उसके पास आता है, जहां पर ईवो से बताती है कि हम जीन्स को डिकोड करके उन्हें रिकम्बाइंड करने का काम करते हैं ताकि भविष्य में आने वाले किसी भी पैंडेमिक से लड़ा जा सके। साथ ही वो कहती है कि हम बहुत ही जल्द दो जीवों के जीन्स को रिकम्बाइंड करके एक डायनासोर बनाने वाले हैं। अब ये दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी यहां पर बैन आ जाता है और वो इन लोगों को लैब में चलने के लिए कहता है। लैब में आने के बाद उन्हें पता चलता है कि यहां पर एक कटा हुआ हाथ मिला है जो किसी और का नहीं बल्कि मिंग का था। अब इस कटे हुए हाथ को देखकर लियांग समझ जाता है कि ये काम किसी बड़े जानवर का है। इसके बाद ये लोग सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगते हैं, लेकिन तभी वो डायनासोर जो कि इनविजिबल होकर उनके पीछे खड़ा था, वो अचानक से इनके सामने आ जाता है और यहाँ पर मौजूद लोगों को मारना शुरू कर देता है, जिसके बाद सभी लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन वो डायनासोर इनका पीछा करते हुए ऊपर तक पहुंच जाता है। अब इससे पहले कि वो डायनासोर इन लोगों को मारकर कच्चा खा जाए, तभी वो लोग उसकी गर्दन एक मशीन के बीच फंसा देते हैं, लेकिन वो डायनासोर तोड़फोड़ करके अपनी गर्दन बाहर निकाल लेता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि लियांग उसका मुंह एक डस्टबिन में फंसा देता है और यहाँ से बाकी लोगों को लेकर निकल आता है। हम देखते हैं कि वो लोग लैब से बाहर निकलने ही वाले होते हैं, लेकिन जब उन्हें इस बात का पता चलता है कि जेनिफर अभी अंदर है, तब ये लोग उसे बचाने का प्लान बनाते हैं। इसके बाद हम जेनिफर को देखते हैं जो कि वॉशरूम में नहा रही थी, लेकिन उसी समय वो डायनासोर भी यहाँ पर आ जाता है और वो शावर से आने वाला पानी पीने लगता है। अब इस डायनासोर को देखने के बाद जेनिफर काफी ज्यादा डर जाती है, लेकिन ईवो वहाँ पर पहुँच जाती है और उसके मुंह को बंद कर लेती है और चुपचाप उसे लेकर वहाँ से बाहर निकलने लगती है। लेकिन तभी सोनी नाम की एक लड़की वहाँ पर आ जाती है और वो भी डायनासोर को देख लेती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है, जिसकी वजह से वो चीखने लगती है। अब उसके चीखने की आवाज सुनकर वो डायनासोर उन्हें देख लेता है, जिसके बाद वो उन्हें मारने के लिए उनके पीछे पड़ जाता है। अब उस डायनासोर से बचने के लिए लियांग और ईवो एक लैब में आके छिप जाते हैं। यहीं पर हमें पता चलता है कि उस डायनासोर के जीन्स को संभाल कर रखा गया था, क्योंकि वो डायनासोर चीजों को सूंघने और समझने के लिए समर्थ था और इसी वजह से ये दोनों उसकी इस कमजोरी का फायदा उठाते हैं और डायनासोर को लॉक करके दोनों ही वहाँ से भाग जाते हैं। अब ये दोनों बिल्डिंग से बाहर निकलने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा लॉक होने की वजह से अंदर ही फंस जाते हैं, जिसके बाद लियांग इन्हें बताता है कि यहाँ से बाहर निकलने का बस एक ही रास्ता है। वो कहता है कि हम फॉरेस्ट एरिया के जरिए यहाँ से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन कोई भी फॉरेस्ट एरिया में जाना नहीं चाहता था, क्योंकि फॉरेस्ट एरिया में जाना एक बहुत ही खतरे का काम था। अब क्योंकि इस डायनासोर को एक एक्सपेरिमेंट के जरिए बनाया गया था, तो इसीलिए लियांग जानता था कि जरूर इसकी कोई ना कोई कमजोरी जरूर होगी। इसके बाद वो कंट्रोल रूम में आकर उस डायनासोर की सारी जानकारी कॉपी करने लगता है, लेकिन इसी दौरान वो डायनासोर भी यहाँ पर आ जाता है और दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है। तभी हम देखते हैं कि लियांग ये सब कंट्रोल रूम से देख रहा था, तो इसीलिए वो ये नहीं चाहता था कि वो सारे के सारे लोग मारे जाएं। तभी वो एक प्लान बनाता है और डायनासोर का ध्यान भटकाकर अपने पीछे ले आता है, लेकिन कुछ दूर पीछा करने के बाद वो डायनासोर अचानक से रुक जाता है और वापस से पीछे की तरफ भागने लगता है। ये देखकर लियांग समझ जाता है कि वो डायनासोर जरूर ईवो की तरफ जा रहा है, इसीलिए वो भागकर ईवो के पास जाता है और साथ ही बाकी सभी लोगों को भी अपने पीछे आने को कहता है। लेकिन तभी डायनासोर भी यहाँ पर आ जाता है, जिसके बाद वो एक एक करके सभी लोगों को मारना शुरू कर देता है। अब इससे पहले कि वो डायनासोर सभी लोगों को मार डाले, तभी यहाँ पर सिक्योरिटी कैप्टन लुईस आ जाता है और
उस डायनासोर को इलेक्ट्रिक शॉक देकर बेहोश कर देता है। तभी हम देखते हैं कि डायनासोर के बेहोश होने के बाद उसके डीएनए में बदलाव होने लगते हैं और थोड़ी देर बाद उस डायनासोर को दोबारा से होश आ जाता है और वो लुइस को पकड़ के उसे मार कर खा जाता है। ये देखने के बाद ये सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं, जिसके बाद ये सभी लोग फॉरेस्ट एरिया में आ जाते हैं और यहाँ जंगल में उन्हें एक बड़ी सी सुरंग दिखाई देती है। तभी हम देखते हैं कि चाओ नाम के एक लड़के को लगता है कि हम इस सुरंग का इस्तेमाल करके यहाँ से बाहर निकल सकते हैं, इसीलिए सबसे पहले वो उस सुरंग में कूद जाता है। लेकिन तभी उस सुरंग में से एक बड़ा सा सांप बाहर निकलता है जो कि चाओ को निगल गया था। अब बाहर आने के बाद वो सांप कुछ लोगों को निगल जाता है और उन्हें निगलने के बाद वापस से सुरंग की तरफ चला जाता है। इसके बाद हम सोनी नाम की लड़की को देखते हैं जिसे अस्थमा की बीमारी थी। हम देखते हैं कि सोनी की तबीयत धीरे धीरे काफी बिगड़ रही थी, इसीलिए लियांग उसके इनहेलर को लेने वापस सुरंग की तरफ जाता है। लेकिन वो सांप उसके पीछे पड़ जाता है और लियांग को मारने की कोशिश करता है। यहाँ पर वो सांप लियांग को मारने ही वाला होता है कि तभी एक दूसरा सांप जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था वो यहाँ आकर उस सांप पर हमला कर देता है और उस सांप को बहुत ही बेरहमी से मार डालता है। अब इसके बाद लियांग मौका पाकर इनहेलर लेकर यहाँ से भाग जाता है, लेकिन रात के समय में कुछ लोग उस पर हमला कर देते हैं और उसके साथ साथ बाकी सभी लोगों को पकड़ कर लैब में ले आते हैं। लैब में आने के बाद हम साइंटिस्ट सिवैन को देखते हैं और यही वो साइंटिस्ट था जिसने उस डायनासोर को बनाया था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सोनी को जहर का इंजेक्शन देकर उसे मार डालता है, जिसके बाद वो लियांग से अपना डायनासोर वापस लाने को कहता है ताकि वो उस पर कोई दूसरा एक्सपेरिमेंट कर सके। अब हम देखते हैं कि लियांग के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो इसीलिए वो साइंटिस्ट की बात मान जाता है और बैल के साथ मिलकर उस डायनासोर को वापस लाने का प्लान बनाता है। लेकिन आगे जाकर लियांग अपना प्लान चेंज कर देता है और वो बैन को फॉरेस्ट एरिया के पास भेजकर दरवाजा खोलने को कहता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि बैन फॉरेस्ट एरिया में जाकर दरवाजा खोल देता है। इधर लियांग डायनासोर को अपने पीछे दौड़ाकर वापस लैब में ले आता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो डायनासोर पिंजरे को तोड़कर उन लोगों को मारने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन इसी दौरान यहाँ पर वो सांप भी आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सांप डायनासोर को जकड़कर उसके अंदर अपना जहर डाल देता है, जिसकी वजह से वो डायनासोर नीचे गिर जाता है और दर्द की वजह से तड़पने लगता है। अब उस डायनासोर को मारने के बाद वो सांप यहाँ से जाने लगता है, लेकिन डायनासोर के डीएनए में फिर से बदलाव होने लगते हैं। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि वो डायनासोर सांप के जीन्स को कॉपी कर लेता है। इसके बाद वो सांप उस पर दोबारा से हमला करके उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार डायनासोर के ऊपर सांप के जहर का कोई भी असर नहीं होता, जिसके बाद वो डायनासोर सांप के ऊपर एक बार में ही हमला करके उसे जान से मार देता है। अब यहाँ पर मौजूद वो सभी साइंटिस्ट जो कि ये सब कुछ देख रहे थे, उन्हें लगता है कि वो डायनासोर उन लोगों को भी मार देगा, इसीलिए वो लोग यहाँ से भागकर अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो डायनासोर इन लोगों को देख लेता है, जिसके बाद एक एक करके उन सभी लोगों को मार डालता है। लेकिन इसी दौरान लियांग और बाकी सभी लोग पिंजरे को खोलकर बाहर आ जाते हैं। अब पिंजरे से बाहर आने के बाद लियांग की नजर फ्रोजन गैस पर जाती है जो कि किसी भी चीज को बहुत ही आसानी से जमा सकती थी। इसके बाद ये लोग डायनासोर का ध्यान भटकाकर उसे फ्रोजन गैस की तरफ ले आते हैं। तभी लियांग उस फ्रोजन गैस के पाइप को खोलने की कोशिश करता है। अब जैसे ही वो डायनासोर लियांग के पास आता है, तभी लियांग उस पाइप को खोल देता है, जिसके बाद पाइप से निकलने वाली गैस डायनासोर को धीरे धीरे जमाने लगती है। इसके बाद हम सिवेन को देखते हैं। वो ये नहीं चाहता था कि उसका डायनासोर मारा जाए, इसीलिए वो पीछे से लियांग के ऊपर हमला करके फ्रोजन गैस को बंद कर देता है। अब वो फ्रोजन गैस के बंद हो जाने के बाद वो डायनासोर सबसे पहले सिवेन को ही खा जाता है। अब सिवेन को मारने के बाद वो डायनासोर लियांग को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी वहाँ पर ईबो आ जाती है और वो एक लोडिंग मशीन का इस्तेमाल करके डायनासोर को वापस से फ्रोजन गैस के पास ले जाती है और इसी दौरान फ्रोजन गैस का पाइप टूट जाता है और उससे निकलने वाली गैस डायनासोर को पूरी तरह से जमा देती है। अब ये देखकर इन लोगों को लगता है कि वो डायनासोर मर चुका है, इसीलिए ये लोग अपने अपने घर वापस आ जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वो डायनासोर जो जमने की वजह से हाइबरनेशन में चला गया था, उसके डीएनए में अभी भी बदलाव हो रहे थे और वो जल्दी ही एक नए रूप में उनके सामने आने वाला था। और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर सिलेक्ट कर लेना। बाकी हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।